क्या टूट गया आसिम और हिमांशी का रिश्ता? क्यों हिमांशी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं इतने सैड कोट्स? क्या वाकई ये ब्रेकअप की तरफ इशारा है या फिर किसी गाने का है प्रमोशन? आइए बताते हैं आपको। बिग बॉस 13 फेम हिमांशी खुराना कुछ दिनों पहले अपनी एक शूटिंग के लिए गोवा गई थी। हिमांशी ने शूटिंग से थोड़ा वक्त निकाला और बीच की सैर पर निकल गई। इस बीच हमारा ध्यान उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी ने खींचा, जिस पर हिमांशी ने अपनी खूबसूरत तस्वीर के साथ एक दिल तोड़ने वाली कविता लिखी थी। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या ये शायरी हिमांशी और आसिम रियाज के बीच ब्रेकअप की संभावना की ओर इशारा तो नहीं। हिमांशी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें गाने के बोल कुछ इस तरह हैं, I'll never love again। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कविता की एक सीरीज भी शेयर कर डाली है और लिखा है, चुप हो मगर कमजोर नहीं, हम जानते थे टूटेगा मगर वादा हसीन था। इसके साथ ही उन्होंने कुछ दिल को छू जाने वाले शब्द लिखे हैं, जिसमें कहा है, सब बदल गए अपना भी हक बनता है। आखिरी स्टोरी में उन्होंने लिखा है, सब ज्ञान देते हैं तुम साथ देना। आपको याद दिला दे कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना हाल ही में एक वीडियो में साथ नजर आए थे। इससे पहले आसिम के फैंस ने हिमांशी को उनसे अलग रहने को कहा था। फैंस ने इतना तक कहा था कि हिमांशी ने जो कुछ अपनी लाइफ में पाया है वो आसिम की वजह से ही पाया है। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी ने कई फैंस को जवाब देते हुए लिखा था कि आसिम को स्ट्रेस ना दे क्योंकि ऐसे भी वो काफी कुछ झेल रहा है। हिमांशी ने कहा कि अब वो फिर आसिम रियाज के साथ काम नहीं करेंगी और यदि फैंस चाहते हैं तो वो उन्हें अपनी लाइफ से भी निकाल देंगी। हिमांशी का सोशल मीडिया पर ये रिएक्शन क्या आसिम के साथ ब्रेकअप की तरफ इशारा है या ये आसिम के साथ या फिर है आसिम के साथ कोई नए म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन? क्या कहना है आपका इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।